अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेयर बागे डॉबी वर्ल्ड की जानिब से, और आज का एक और प्रोजेक्ट बहुत ही मज़े का है। इसके अंदर क्लाइंट के पास वेबकैम का ओवरले था एंड जो बैनर होता है ऊपर वो भी था। सो उन्होंने कहा था कि उसको एनिमेट करना है, आप ओवरले कह सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ईजी था करना, और आप आज ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली सोचेंगे कि मुझे भी ये काम करना चाहिए एंड छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक हम अच्छी चीज़ बना सकते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर मेंशन करूंगा कि जो लोग मेरी वीडियोस को पूरा नहीं देखते वो अपना नुकसान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने बहुत सी पिछली वीडियोस में भी ट्रिक्स बताई हैं। ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो इंसान को प्रोजेक्ट के साथ आती हैं, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ यूनिक बातें होती हैं जो इंसान को सीखने को मिलती हैं। तो अगर लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे तो मेरा नुकसान नहीं कर रहे, अपना ही कर रहे हैं। खैर, चलते हैं। अब ये प्रोजेक्ट तो था $15 का था, और ये ओवरले मैंने नहीं बनाया, ये बना बनाया ही मुझे मिला था, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि जब आपको कोई क्लाइंट ऐसा काम दे जो आपको, मतलब देखें, क्लाइंट आपके पास तब आता है जब उसको दूसरों में और आप में कुछ चीज़ डिफरेंट नज़र आती है, ठीक है। और ये समझना है कि इस प्रोजेक्ट की नौइयत क्या है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर उसने दो चीज़ें मुझे दी थी, एक वेबकैम और एक ओवरले। अब इन दोनों को एनिमेट करके देना था। अगर मैं उससे पूछूंगा कि एनिमेट किस तरीके से करना है तो भाई एनिमेटर वो हुआ, मैं नहीं। सो इसका मतलब ये कि भाई मुझे ही कुछ करके देना है, ठीक है। सो सबसे पहले ओवरले की बात करते हैं। सिंपल ओवरले है। सबसे जो एक बेसिक टेक्निक होती है वो होती है कि आप इसके ऊपर लाइट स्वाइप इफ़ेक्ट ऐड कर दें, ठीक है। आप लाइट स्वाइप ऐड जो है इफ़ेक्ट वो ऐड कर दें सिंपली, ठीक है। सिंपली यहाँ से यहाँ तक चला गया और ये लूप है, ये बार बार आता जाएगा और जाता जाएगा, आता जाएगा जाता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये जब लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं MBs कम लेता है, ज़्यादा एनिमेशन अगर आप ऐड कर देंगे तो वो MBs ज़्यादा खाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रीमिंग के दौरान अपलोडिंग का बड़ा मसला आता है, हमें बहुत मसला आता है, उनको पता नहीं आता है कि नहीं आता। सेकेंडली, एक छोटी सी लाइन ऐड की है मैंने यहाँ पर ऊपर, जिसका बॉर्डर है, आप समझते हैं। अच्छा, अब इस बॉर्डर के ऊपर मैंने लाइन क्यों ऐड की? एक लूप दिखाने के लिए कि एक चीज़ एनिमेट हो रही है, और ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एग्जैक्ट सेम है, दैट्स वाई ये आपको लूप लग रही है, ठीक है। इसमें छोटी सी और डिटेल ऐड करने के लिए, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर एक जगह खाली नज़र आई थी तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर भी एक छोटी सी एनिमेशन ऐड करनी चाहिए, तो मैंने क्लिक किया और मैंने एक लाइन इस तरफ बना दी एंड देन मैंने इस तरफ बना दी। अगर आप अब चलाते हैं, एक लाइन क्रिएट हो गई और ये ख़त्म हो गई, और क्रिएट हो गई और ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सटल छोटी सी एनिमेशन है, जो कि अगर मैं ज़्यादा करता तो बुरी लगती, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा नोटिस मैं कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रोक है थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, इसको बारीक होना चाहिए था, बट खैर है। और इसमें मैंने इफ़ेक्ट सिर्फ ग्लो ऐड किया है, और इसमें कोई सेटिंग एक्स्ट्रा नहीं की, जितनी मुझे अच्छी लगी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल, थ्रेशोल्ड 71% रखा है, और ग्लो रेडियस यानी रेडियस जो है उसका ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ऑकवर्ड लगता है, सो मैंने 5 रख दिए। और इंटेंसिटी कितनी उसमें जान होनी चाहिए, जिस तरह लाइट होती है ना कि हम एक उसका लाइट, मोबाइल की लाइट भी एक दफा दबाते हैं तो तेज़ जलती जो है, हल्की जलती, फिर दूसरी दफ़ा तेज़, फिर तीसरी दफ़ा तेज़, उससे ज़्यादा तेज़, इस तरीके से इंटेंसिटी होती है। मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमने बना लिया था। अच्छा, अब वेबकैम के साथ क्या किया? वेबकैम के साथ भी सिंपली यही चीज़ की है। सबसे पहले तो एक लाइट स्वाइप इफेक्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। सिंपली ये देखिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। वो 5 सेकेंड की लूप थी, ये 10 सेकेंड की लूप है। बुरा भी ना लगे, ज़्यादा जो बेवल्स हैं वो भी नज़र नहीं आने चाहिए, एजेस भी ज़्यादा नज़र नहीं आने चाहिए, और मतलब ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल ही अजीब लगे, ऑकवर्ड लगे आपका वेबकैम जो आपका क्लाइंट है उसका, ठीक है। सेकेंडली, जो ये शेप है ये भी मैंने अगेन उसी तरीके से बनाई है, ये देख लें। और इसको ग्रेडियंट रैंप, अच्छा ग्रेडियंट रैंप देने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप बनाएंगे उस, मिसाल के तौर पर अब ये वाली साइड ऊपर है तो ये ग्रीन है, अगर ये वाली साइड दूसरी साइड ऊपर आ गई तो वो भी ग्रीन है, तो वो अजीब नहीं लग रहा कि कलर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कलर का जो थीम है वो ऊपर ग्रीन है, नीचे पर्पल है। हमें
स्टिक टू दी थीम रहना है, हमें थीम के साथ ही जुड़े रहना है और हमें उसको एनिमेशन बना के देनी थी, ठीक है। और जो ये वेबकैम के ऊपर मैंने जो ये शेप लेयर ऐड की है, ये बहुत ही समझ लें कि बेसिक टेक्निक यूज़ किया मैंने। अगर वो उसको ना पसंद आती, उसको पसंद आ गई बहुत अच्छी बात है, अगर उसको ना पसंद आती तो मेरे पास कुछ और टेक्निक्स भी थी तो मैं वो ज़रूर ट्राई करता। तो हर मेरा बात करने का मकसद ये है कि हर प्रोजेक्ट की अपनी नोइस होती है, उस हिसाब से क्लाइंट को लेकर चलना पड़ता है। सो दैट्स इट, इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।